नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला। आज एक ऐसा सवाल लेंगे जो कि बहुत लोगों के जहन में है, सोचते बहुत लोग हैं, बोलते कम लोग हैं रिस्पेक्ट की वजह से। और ये सवाल ऐसा है कि ये आम आदमी को रोक देता है अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ में या जर्नी में। सवाल ये है, किसी ने पूछा नहीं है, कमेंट किया है। कमेंट्स अपने आप में थोड़े भारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ किसी के मन में कुछ चीज़ भरी पड़ी है और वो शेयर कर रहा है। तो ये कमेंट या ये सवाल है कि जब अगर दुनिया पूरी की पूरी दुनिया अगर समाधि में चली जाएगी तो फिर दुनिया का चल होगा क्या? थोड़ा इमेजिन करिए, जहाँ पर आप जा रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफिस में, सब जगह पर लोग ऐसे समाधि में बैठे हुए हैं। आप अपना बिजली का बिल भरने गए, अभी हम समाधि में। टीचर को बात करने गए, मैम मुझे मैथ्स का सवाल नहीं आ रहा, मैं समाधि में हूँ। ये क्या लगता है, ये सवाल के पीछे कुछ दम है, इसको टैकल करना चाहिए? क्या आपको लगता है इससे किसी का स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकता होगा? क्योंकि ये थॉट अपने आप में कि अगर पूरी की पूरी दुनिया स्पिरिचुअल हो जाएगी, समाधि में चली जाएगी, तो दुनिया का होगा क्या, जिस किसी के भी इंसान में आया है, वो आदमी अपने आप से तो ये बोल रहा है, भाई मैं समाधि की तरफ ना जाकर, उस एक्सट्रीम में ना जाकर के दुनिया को बचा रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, दुनिया का भला कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं जाकर समाधि कर लूँ और दुनिया का काम रोक दूँ। ऐसे ही जैसे कि कोई ट्रैफिक रोड पर खड़ा होकर के ध्यान कर रहा है, ऐसा कुछ काम आप लोग तो आध्यात्मिक लोग हैं, चले जाइए, हम लोग समाज को बचा रहे हैं। यही आइडिया आदमी को स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से रोकता है। आपको क्या लगता है, अगर दुनिया में स्पिरिचुअलिटी बहुत बहुत फैल गई, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन या पूरी से पूरी पॉपुलेशन अगर आध्यात्मिक हो गई और सेक्शन 4 खुल गया, तो क्या होगा दुनिया में? वो नहीं होगा जो हम थियोरेटिकली सोचते हैं। थोड़ा सोचिए, अगर दुनिया में सब लोग सबके पास पैसा हो गया, सबके पास बराबर पैसा हो गया, तो क्या होगा? हम इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास ढेर सारा पैसा है वो तो कभी इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरे मेड के पास भी उतना ही पैसा है जितना पैसा मेरे पास है, वो तो कभी आएगी नहीं हमारे काम करने के लिए। तो मेरे लिए ये आइडिया बेटर है कि कम ज़्यादा पैसा होना चाहिए, कोई ना कोई तो मालिक, कोई ना कोई नौकर बने। तो ये जो हमारे आइडियाज़ हैं ना, वो हमको अपनी स्टेट में बचा के रखते हैं, स्ट्रांग फर्म बिलीफ। लेकिन एक थोड़ा सा ये चीज़ देखिए कि दुनिया में आज से 100 साल पहले जितने लोग पढ़े लिखे थे, आज से कहीं ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी लोग इम्प्रूव हो चुके हैं। तो क्या फ़र्क पड़ा है दुनिया में? या एक एग्जांपल ये देखिए कि आज की डेट में पूरी दुनिया में कहीं पर भी महामारी नाम की बीमारी नहीं है, कोई भी आदमी ग्रसित नहीं है बीमारी से। तो क्या दुनिया में चेंज आया है? बहुत बड़ा चेंज आया है, लेकिन दिखता नहीं हम लोगों को। तो एक आदमी जब समाधि में जाएगा तो ये तो कभी नहीं होगा कि सारा का सारा काम रुक जाएगा। जिसके भी मन में ये आइडिया है वो गलत आइडिया है। उल्टा एक बहुत बड़ा चीज़ जो अभी दुनिया में चल रहा है, वो समाधि एग्जैक्टली नहीं, लेकिन जो लोग भी अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना सीख गए हैं और इस माइंड के ज़रिए हायर कॉन्शियसनेस को छेद करके उसमें से कुछ ला पाए हैं, वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया में प्रोग्रेस करवाया है। आज की डेट में जितनी भी एजुकेशन हम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, बुक्स, डिस्कवरीज, दवाइयाँ, हर क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो ऐसे लोगों से हो रहा है जिनका माइंड इतना फोकस कर पाया है कि एक सवाल को लेकर के काफ़ी साल तक उस पर मेहनत कर पाया है और उसको नेचर से या भगवान से या कहीं से भी आंसर मिले हैं, जिसके ज़रिए आज हम एक सुविधाजनक लाइफ जी रहे हैं कंपेयर टू हमारे प्रीवियस जनरेशंस। तो वो जो हायर कॉन्शियसनेस है, वो डरने वाली चीज़ नहीं है, वो उससे हेल्प लेने वाली चीज़ है। हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा उससे हेल्प लेने के लिए, तब वो हमको हेल्प कर सकती है। पता है क्या क्या चीज़ें होंगी? कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही इमेजिन कर रहा था कि अगर दुनिया में सब कोई सेक्शन 4 खुल गया तो एक सबसे सिंपल सी चीज़ जो आम आदमी को नहीं पता, वो होगी कि समाधि में लोग दिन में नहीं जाएंगे। जो भी आदमी, आज भी बहुत से ऐसे मास्टर्स हैं जो जाते हैं अपने सेक्शन 4 में जाते हैं, अपने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जाते हैं, लेकिन दिन के समय जिस समय वो काम कर रहे हैं उस समय नहीं जाते हैं। वो रात को सोते समय ड्रीम में जब जाते हैं, उस समय वो अपनी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बॉडी में जाएंगे और उसमें अपनी टीचिंग्स लेंगे या जो भी काम करेंगे। एक ये छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ये चीज़ बहुत से लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और वो अकेले नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि वो खाली दूर जंगल में साधु बन करके रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो अपनी खुद की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। दिन के समय अपने ऑफिसर्स हैंडल कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, रात के समय
अपने बॉडी के अंदर जा करके अपनी मॉलिकुलर बॉडी में जाकर काम कर रहे हैं ताकि वो और हायर लेवल पे कॉन्शियसनेस पे काम कर सकें। अगर पूरी की पूरी दुनिया ऐसी हो गई तो क्या होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी। मेरे ख्याल से मर्डर्स नहीं होंगे, क्योंकि जब बॉडी का इतना लोभ नहीं होगा तो खून नहीं होगा, छुरी चकारी कम हो जाएगी, कम क्या, ख़त्म ही हो जाएगी। कोर्ट कचहरी का झंझट नहीं होगा, हालांकि कोर्ट कचहरी का जो आइडिया भी है वो भी एक इवॉल्व माइंड से ही आया होगा, बट लड़ाइयाँ होती हैं इसलिए कोर्ट कचहरियाँ होती हैं। घरों में बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे जो पेरेंट्स कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को टच कर पाए हैं उनके बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और उनके बच्चे भी हायर कॉन्शियसनेस के होंगे। हायर कॉन्शियसनेस मतलब ऐसा आँख बंद करके बुत बनने वाले लोग नहीं, ऐसे लोग जो लोग एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पर कोऑपरेशन हो, हेल्प हो, ज़रूरतमंद को हेल्प मिल सके, एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसको इंक्लूसिव बोलते हैं। आज की डेट में जो सोसाइटी है वो एक ऐसा सोसाइटी है जैसे कि एक बीमार आदमी जिसका यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, और दर्द पे वो दवाइयाँ लगा रहा है, फिर टांके लगा रहा है, ऑपरेशंस करवा रहा है, पूरी की पूरी सोसाइटी ऐसी चल रही है समय। कहीं एक्सीडेंट्स, कहीं दुख, कहीं तकलीफ, वो एक सोसाइटी, बीमार सोसाइटी, तकलीफ भरी सोसाइटी, और उसको हील करने के लिए हमारे पास बिजनेसेस हैं और कोर्ट है और कचहरी, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो जब ये सबके सब पूरी बॉडी हील हो जाएगी, मतलब सारे के सारे लोग कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को पहुंच जाएंगे, तो एक परफेक्ट बॉडी की तरह समाज होगा। और वो क्या होगा, कैसा होगा, प्लीज़ इमेजिन मत करिए। इमेजिन करेंगे तो डर लगेगा, फिर आप आगे जाना नहीं चाहेंगे। अभी ये समझ लीजिए कि अगर आपका कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में ज़रा सा भी एंट्री हुई तो आपकी लाइफ जैसी है उससे बहुत बेहतर हो जाएगी। आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपके आने वाले बच्चे और आपके आने वाले बच्चों के दोस्त भी, बिकॉज उनके असर बाकियों पे होगी। आज देखिए हमारे सोसाइटी में नानक, कबीर, बुद्ध जैसे लोग जो भी कुछ किए हैं उसकी वजह से कितनी दुनिया में एक लहर चल रही है आज भी शांति की और अच्छाई की। तो डरिए मत और इस तरह के आइडियाज़ को समझिए कि ये थियरी हैं, जो प्रैक्टिकली ये लागू होती हैं। यही तो मैं कह रहा था ना करेक्टिव मेथड हम लोगों का, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग द पाथ एंड नोइंग द पाथ। किसी चीज़ को खाली जान लेना और उस पर चलना, बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है। थैंक यू। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से समझना चाहते हैं, योग को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। इसमें हम आपको वीडियोस के जरिए, बुक्स के जरिए आपके घर बैठे आपको हेल्प करेंगे इस पूरे स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, इस योग को समझने के लिए। तो यू आर मोस्ट इन्वाइटेड टू जॉइन दिस। आपकी एक आदमी की बिजनेस है, एक आदमी का काम है, चाहे बहुत बड़ी कंपनी है, आपको एग्जीक्यूशन सीखना है, किस तरह से आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा, कैसे आपका जो प्लान है लॉन्ग टर्म वो कैसे आप कर पाएंगे, अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। ऑनलाइन कोर्स है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, यहाँ नहीं आना है, अपने घर पर ही अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए आप इस पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। आपको बस करना ये है, इस व्हाट्सएप पर आपको मुझे मैसेज करना है और इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है और फटाफट आपका कोर्स चालू हो जाएगा। थैंक यू।